सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म स्लिप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जो आर्मी में जाने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उस वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलने वाले हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाले ये मिलने वाले हैं, पोस्ट की डिटेल मिलेंगे, एज लिमिट यहाँ पर क्या होने वाली है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर क्या होने वाले हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं क्या रखे गए हैं। तो यहाँ पर जनरल ड्यूटी जो GD वाले होंगे उनके लिए टोटल 40 पोस्ट है, जहाँ जनरल के लिए 22, SC के लिए 7, ST के लिए 4, OBC के लिए 14, EWS के लिए 3 पोस्ट दिया गया है। CPL SSA वालों के लिए टोटल 10 पोस्ट है। टेक्निकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 6 पोस्ट है, जहाँ जनरल वालों के लिए 9, SC वालों के लिए 3, ST वालों के लिए 2, OBC वालों के लिए 5 और EWS के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। टेक्निकल जो होंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उनके लिए 14 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। लॉ एंट्री के लिए यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट दिया गया है। एप्लीकेशन फीस देख लेते क्या रखे गए। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 250 रुपये का एप्लीकेशन फी देना होंगे, एक्सेप्ट SC और ST के जो कैंडिडेट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन इस प्रकार रखी गई है, जहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, और यहाँ पर आपके पास में 12th होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में, जो कि 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। अगला पोस्ट है यहाँ कमर्शियल पायलट लाइसेंस वालों के लिए, जहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और 12th होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के अंतर्गत में कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। टेक्निकल मैकेनिकल जो होंगे यहाँ पर पोस्ट, वहाँ पर आपके पास में नवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमेटिक, एरोनॉटिकल या एरोस्पेस के अंतर्गत में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए जो 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, और इसके साथ में 12th होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में, जो कि 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। यहाँ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जहाँ पर आपके पास में क्वालिफिकेशन रखे गए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो 60% मार्क के साथ में यहाँ पर आपके पास में इंजीनियरिंग होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास में 12th होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में, जो 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। एज लिमिट देख लेते क्या रखे गए हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 25 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होंगे, जहाँ पर ST और SC को 5 साल के और OBC को 3 साल के एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं क्या रखे गए हैं। तो यहाँ पर स्टेज 1 में आपके CGCET होंगे, स्टेज 2 में आपके प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत में होगा, स्टेज 3 में फाइनल सिलेक्शन होंगे, स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन और स्टेज 5 में इंडक्शन होंगे। तो यहाँ पर CGCAT के अंतर्गत में जो एग्जाम होने वाला है स्क्रीनिंग एग्जाम, वहाँ पर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, जहाँ पर इंग्लिश रीजनिंग, जहाँ पर सेक्शन 1 के अंतर्गत GD CPL CA जहाँ पर होगा वहाँ पर इंग्लिश रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के अंतर्गत में यहाँ पर आपके पेपर होंगे जो सारे 100-100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे के होने वाले हैं। सेक्शन 2 जो टेक्निकल मैकेनिकल वाले होंगे उनके पास में इंग्लिश रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज मैकेनिकल के अंतर्गत में यहाँ पर आपके पेपर होंगे जहाँ पर 2 घंटे के ड्यूरेशन होंगे। यहाँ पर आपके मैकेनिकल के जो पेपर होंगे वो 240 नंबर के होंगे, बाकी पेपर आपके 40-40 नंबर के होने वाले हैं। सेक्शन 3 जो टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है, वहाँ पर आपके 2 घंटे ड्यूरेशन होने वाले हैं। इसके अलावा सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पेपर जो होंगे वो 240 नंबर के होंगे, बाकी पेपर यहाँ पर 40-40 नंबर के होने वाले हैं। यहाँ पर सैलरी देख लेते क्या रखे गए। तो असिस्टेंट कमांडेंट जो होंगे उनको 56,100 की सैलरी मिलेगी, कमांडेंट को यहाँ पर 67,700 की सैलरी मिलेगी, कमांडर JG वालों को यहाँ पर 78,800 की सैलरी मिलेगी, कमांडेंट जो होंगे उनको 123,100 की सैलरी मिलेगी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए यहाँ पर 131,100 रुपये की सैलरी होने वाली है जो कि परमानेंट की होगी, इंस्पेक्टर जनरल के लिए यहाँ पर 144,200 की सैलरी होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल को यहाँ पर 182,200 की सैलरी होगी, डायरेक्टर जनरल के लिए यहाँ पर 205,400 रुपये की परमानेंट की सैलरी होने वाली है। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखा देगा, वहाँ पर जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर अपलोड करना है, और उसके बाद में एप्लीकेशन फी को कैटेगरी वाइज पे करके सबमिट का बटन दबा देना है, और सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे तो उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो कि CBT से पहले एडमिट कार्ड निकालते वक्त आपके काम आ सकते हैं। यहाँ पर जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं वो 9 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।